हेलो माय लवली फैमिली, वेलकम बैक टू सुजाता'स प्लेनेट। आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। वैसे तो रोज़ का रूटीन मेरा सेम ही होता है, बट आज उठने में लेट हो गया था, करीबन 7:30 बज गए थे। तो जल्दी जल्दी खाना भी, ब्रेकफास्ट भी बनाना था, तो ब्रेकफास्ट वगैरह बना के मैं आज जल्दी ही नाश्ता कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत सारा घर का काम है, घर की क्लीनिंग करनी है, तो पहले नाश्ता कर रही हूँ। नहीं तो सब काम करके अगर नाश्ता करने जाऊँगी तो बहुत देर हो जाएगी और बहुत भूख भी लग जाएगी। नाश्ता वगैरह करके मैंने अपना सब काम कर लिया था, फ्रेश वगैरह हो गई थी और फिर आ गई थी खाना बनाने। सारा काम करते करते, घर वगैरह क्लीनिंग करते करते मुझे करीबन 2.5 घंटे लग गए, तो आज खाना बनाने में भी लेट हो रहा है। फूलगोभी तो बॉईल वगैरह करके रख दिया है, अभी वही फटाफट बना लेती हूँ। दूसरी कोई सब्जी नहीं बनाऊँगी आज, एक ही से काम चला लूँगी क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास में, तो फटाफट बना लेती हूँ। और खाना बनाते बनाते कांड भी हो गया, गैस ही चला गया। जिस दिन जल्दीबाजी रहती है ना, उसी दिन कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे ही अभी चावल बन जाएगा, इंडक्शन पे ही सब्जी रख देती हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएगा। जिस दिन काम जल्दी जल्दी करना है होता है, उसी दिन कुछ ना कुछ करके लेट होता है। जब तक कि सब्जी होती है तब तक कि मैं नींबू पानी बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वैसे तो रांची में इतनी गर्मी होती नहीं है, यहाँ हमेशा ठंड रहती है, बट इस साल पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हमारा जो क्वार्टर है वो सेकंड फ्लोर पे है और उसके ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इसलिए अभी रोज़ ही नींबू पानी पीने का ट्राई कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बॉडी ठंडा रहेगा। इसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। इधर मेरी सब्जी भी हो चुकी है और चावल तो हो ही चुका था, मेरा खाना रेडी हो चुका है। अच्छा हुआ टाइम पे ही हो गया। इधर मैं गैस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं गैस अगर ख़राब रहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खाना वगैरह करने के बाद में मैं सामने के रूम में गई तो देखा कि एक फ्लावर गिर चुका है। आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है कि काम बढ़े ही जा रहा है। उसे तो अच्छे से लगा दिया, अभी ठीक लग रहा है। फिर सब खाना वाना खाने के बाद में, दोपहर को थोड़ा आराम करने के बाद में, मैं दोपहर, अभी जॉब तो कर नहीं रही हूँ तो दोपहर में कोई काम रहता नहीं है, तो खाली बैठ के करूँ क्या, बोर हो जाती हूँ। इसलिए अभी जो बेडरूम का जो दीवार है वहाँ पे थोड़ा सा कलरिंग कर रही हूँ। मुझे कलरिंग करना आता नहीं है, डिज़ाइन बनाना उतना अच्छे से आता नहीं है, बट टाइम पास करने के लिए तो कुछ भी कर ही सकती हूँ। तो ये कल से मैं बना रही थी लेकिन आज कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा तो मुझे नहीं आता है, जो भी आता है थोड़ा बहुत ट्राई कर लेती हूँ। खाली बैठने से तो अच्छा है ना कुछ करते रहे। तो डिज़ाइन तो मेरा बन चुका था, अभी शाम के चाय पीने का टाइम हो चुका है तो मैंने अपने लिए चाय बना लिया। मेरे हस्बैंड तो चाय पीते नहीं हैं, इसलिए उनके आने के पहले मैं खुद ही अपने टाइम पर अपनी चाय बना के पी लेती हूँ। अकेले पीना मुझे चाय अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ। फिर बाहर देख रही हूँ तो थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, बारिश आ सकती है ऐसा लग रहा है, शायद इस वजह से भी इतनी गर्मी हो रही है। तो आज हमें जाना था थोड़ा सा ग्रॉसरी लेने बाहर, इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ। ये ऑफिस से आने के पहले ही मैं रेडी हो जाती हूँ ताकि हम लोग जल्दी जल्दी निकल पाए। तो हम लोग निकल चुके थे और छीटा छीटा बारिश भी आने लगी थी, ऐसा लग रहा था बहुत ज़ोर की ना आए। आपको उस साइड में जो ग्राउंड दिख रहा है वो क्रिकेट ग्राउंड है और ये रांची है, धोनी का सिटी, तो यहाँ पे बहुत जगह पे ऐसा जो क्रिकेट ग्राउंड है ये देखने को मिलता है, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। वो एक बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा हार्ड बना हुआ, उस पर लिखा हुआ है रमनिक रांची। मैं हर बार वो कैप्चर करना चाहती हूँ लेकिन मोबाइल में वो कैप्चर ही नहीं होता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे जियो मार्ट।
यहाँ पे डीमार्ट वगैरह नहीं है, यहाँ पे जियो मार्ट का ही एक बड़ा ब्रांच है और छोटे छोटे ब्रांचेस सब जगह पे मिल जाएंगे। वैसे तो हम लोग बड़े ब्रांच में ही जाते हैं, बट वो घर से बहुत दूर भी है और आज हम लोगों को ज़्यादा ग्रॉसरी लेनी नहीं थी, इसलिए जो पास में छोटा ब्रांच है हम लोग वहीं आज आ चुके थे ग्रॉसरी लेने के लिए। गए बार मैंने ये सॉसेस के पैकेट लिए थे, ये बहुत दिन तक के चले थे। तो हो चुका है हमारा शॉपिंग, अभी सामने वो पानीपुरी वाले भैया दिख रहे हैं, उनके पास से पानीपुरी खाएंगे और फिर घर जाएंगे। बाहर आओ तो पानीपुरी खाना तो मुझे ऐसा लगता है मस्ट ही है, बहुत ही मुझे पसंद है पानीपुरी खाना। ये अंकल बहुत अच्छा बनाते हैं पानीपुरी, बट आज उतना टेस्ट मुझे लगा नहीं पानीपुरी का। पानीपुरी खाने के बाद में हम लोग आलू चाट खाए, वो भी बहुत टेस्टी था, वो दूसरे के पास से खाए था। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए, तो रास्ते में ये मंदिर पड़ा। आज यहाँ पे बहुत भीड़ है क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार को रहता है शनि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और वहाँ पर प्रसाद भी मिलता है। तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर वहाँ से निकल गए हम लोग घर के लिए, तो रास्ते में दिखा यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है, ये है डिज्नीलैंड मेला। ये हमारे घर के पास भी एक मेला लगा हुआ है, यहाँ पे चार्जेस लगते हैं अंदर जाने के लिए, करीबन 20 रुपये इसकी टिकट है अंदर जाने की। बहुत ज़्यादा बड़ा मेला नहीं रहता है, वो छोटा ही मेला रहता है और बच्चों के लिए ठीक है घूमने के लिए, बट उतना कुछ खास नहीं रहता। लास्ट मंथ जब माँ पापा आए थे तब हम लोग गए थे वहाँ पे घूमने के लिए। और हमारे घर के पास का जो मेला है वो तो करीबन 3 महीने हो गए लगा हुआ है, बट वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है ना इसीलिए, और बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए भी नहीं है। जब जगन्नाथ यात्रा होती है तब यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, करीबन 1 महीने के लिए रहता है और इतनी भीड़ रहती है वहाँ, चलना फिरना भी मुश्किल होता है। जब वो लगेगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, बहुत बड़ा रहता है, वैसा मेला मैंने अभी तक के नहीं देखा है। तो घर वगैरह आने के बाद में मैंने अपने फ्रेश वगैरह होने के बाद में मैंने पूजा पाठ कर लिया। तो आज का दिन मेरा ऐसा ही था। अगर आपको पसंद आया हो आज का व्लॉग तो एक लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।